भाई सारे भाइया हाथ जोड़ के राम राम भाई, सत श्री अकाल। साथियों, बहुत सारे साथी पूछते हैं कि भाई आगे का कार्यक्रम क्या है, आंदोलन में आगे क्या कदम उठाया जाएगा। तो पिछले 2-3 दिनों से बड़े विस्तार से दोनों फोरम, संयुक्त किसान मोर्चा है राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा, चर्चा कर रहे हैं। और परसों हमारे शहीद शुभकर्ण सिंह जी का अंतिम संस्कार हुआ, वहां पे भी सारी लीडरशिप मौजूद थी। और कल यानी 3 तारीख को उनका भोग है, अंतिम अरदास है। पूरे दोनों मोर्चों ने यह फैसला किया है कि भाई हमें दिल्ली जाने के लिए ही अपने घरों से निकले थे। पुलिस ने जितनी पुलिस हिंसा कर सके थी, पुलिस ने उससे भी आगे बढ़कर हिंसा करी प्रशासन ने। हरियाणा में 50,000 से ज्यादा पैरामिलिट्री फोर्स इन्हें डिप्लॉय कर दी, सारे रोड रोक दिए, सब कुछ इन्हें रोक दिया, गोली भी चला दी इन्होंने, जहरीली गैस के गोले भी छोड़े। गोली लगने से हमारे एक किसान भाई शहीद हो चुके हैं, कई किसान भाई घायल हैं, पैलेट से कई किसान भाई घायल हैं, और जहरीली गैस के कारण कई किसानों को हार्ट अटैक जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा और उससे उनकी शहादत भी होगी। तो जितना सरकार जुल्म कर सकती है, जितना सरकार तानाशाही कर सकती है, जितना सरकार क्रूरता बरत सकती है, सरकार उससे भी आगे बढ़ के वो सारे काम कर रही है। ऐसे उसमें दोनों फॉर्मों ने यह फैसला किया है कि हम मजबूती से यहीं पर बैठेंगे जब तक सरकार की तानाशाही और जुल्म कम नहीं होगा। जब तक सरकार ये बंद किए हुए रास्ते नहीं खोलेगी, तब तक हम शंभू और खनौरी बॉर्डर पर यहीं मजबूती से बैठेंगे। और जिस दिन सरकार की ये तानाशाही, सरकार की ये क्रूरता, सरकार का ये जुल्म कम होगा, सरकार जब ये रास्ते खोलेगी, उसके बाद हम दिल्ली जरूर जाएंगे। और तब तक हम शांतिपूर्ण तरीके से यहीं बैठेंगे और इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक ले जाने का काम करेंगे। इस आंदोलन को यहीं पर बैठकर पूरे देश में पहुंचाएंगे, देश के हर नागरिक की आवाज इसमें बढ़ाओगे और मजबूती से आंदोलन आगे बढ़ाओगे। तो मेरी प्रार्थना है अपने हरियाणा के साथियों से भी कि जो साथी शंभू पहुंच सका वो शंभू पर, जो साथी खनौरी पहुंच सका वो खनौरी पर, अपने अपने गांव के, अपने अपने ब्लॉक के वे अपने टेंट लगावे, मजबूती तक लगावे। और आगे का जो फैसला होगा दोनों फॉर्मों का, वो किस तरीके से इस आंदोलन को तीखा करेंगे, किस तरीके से आने वाले समय में इस आंदोलन को देशव्यापी करेंगे, इस आंदोलन को तेज करेंगे, उसका ऐलान 3 तारीख को यानी कल शहीद शुभकर्ण सिंह जी के भोग पे, अंतिम अरदास पे, वहां से किया जाएगा। और मैं ये भी प्रार्थना करना चाह रहा हूं, दोनों फॉर्मों ने यह फैसला किया है कि कल जो अंतिम अरदास होगी शहीद शुभकर्ण सिंह की, वहां पे बहुत बड़ी गैदरिंग करी जाओगी, बहुत बड़ी पंचायत का उसको स्वरूप देकर श्रद्धांजलि भी दी जाओगी। और आगे का जो एक्शन प्लान होगा इस आंदोलन को तेज करने का, इस आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने का, उसका भी ऐलान किया जाओगा। मेरी हाथ जोड़ के विनती, हाथ जोड़ के प्रार्थना है तमाम भाइयों से, खासकर मैं अपने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी के भाइयों से ये एक प्रार्थना कर रहा हूं, जिन मांगों के लिए, जिस MSP कानून के लिए शुभकर्ण सिंह जी ने अपनी कुर्बानी दी, कल सारे साथी उनके अंतिम अरदास में शामिल होकर उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि देवे। और सच्ची श्रद्धांजलि तो वो होगी जब इस आंदोलन को हम जीतेंगे, ये सारी मांग पूरी कराओगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वाहेगुरु जी का खालसा, श्री वाहेगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद।